हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गेट रेडी क्विकली यार, आज हमें सिंगापुर ट्रिप के लिए ट्रैवल एजेंसी वालों को पैसे देने जाना है. याद है ना यार? ऑब्वियसली यार, आई एम सो एक्साइटेड. इट्स द फर्स्ट फॉरेन ट्रिप ऑफ आवर ग्रुप. देखना, बहुत मजा आएगा. जल्दी से रेडी हो जाओ. चल, कैच यू लेटर. ओके. अच्छा चल, बाय बाय. बाय. अरे आंटी, क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? आंटी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे तो बता सकते हो ना. आपके आपके हस्बैंड ने कुछ कहा तो? अच्छा, ये पानी पी लो. अच्छा आंटी, अब बताइए क्या हुआ? मेरी टेंशन में दीदी, मेरी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए पैसे कम हो रहे हैं. मम्मी पापा की सब रकम मिलाकर भी 1,00,000 कम हो रहे हैं. इसीलिए कह दिया मुझे नहीं बनना डॉक्टर, कुछ और कर लूंगी. फिर भी रोना बंद नहीं कर रहे. हाय. अब डियर, वो मैं ट्रिप पे इस बार नहीं आ सकती. व्हाट? देख श्वेता, प्लीज ऐसा मजाक मत कर, ठीक है? आई एम सीरियस यार. नहीं प्लीज, चल यार. सॉरी, रीजन थोड़ा पर्सनल है. चल बाय. टेक केयर. एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में. ओके सॉरी, मुझे बुलाया है. या श्योर, यू कैन गो. Pleasure to work with you, but any problem? No, sir.
रिक्वेस्ट थी आपसे। अब वो जो मेरा कॉलेज फ्रेंड बाहर बैठा है ना, विवेक, सर वो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। वो हार्डवर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी। आई एम श्योर वो अच्छा काम करेगा। सर आप मेरी जगह पे ये जॉब उसे दे दीजिए प्लीज। फिर तुम? मैं दो चार धक्के और खा लूंगी। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। ओके, एज यू विश। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? संभल के संभल के, ये कैसे हो गया? धीरे धीरे, बी केयरफुल। आओ बैठो, यहाँ आराम से बैठो, संभल के। यहाँ पे वो रोड क्रॉस करते वक्त आंटी को चक्कर आ गए और एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड, ये तो भला हुआ इस बच्ची का, इसने बड़ी मदद की। पहले हॉस्पिटल लेके गई और अब यहाँ तक साथ आई। बहुत नेक बच्ची है। थैंक्स श्वेता। इट्स ओके। आप जानते हैं इसे? हाँ, याद है मैंने इंटरव्यू के बारे में आपको बताया था। यही है वो लड़की जिसने सिलेक्ट होने के बाद भी अपने फ्रेंड के लिए जॉब छोड़ दी थी। हाँ हाँ, वो तो याद है मुझे। खुश रहो। थैंक यू। बेटा फिर जॉब मिल गई थी ना? हाँ, एक हफ्ते बाद मिल गई थी और बाय गॉड ग्रेस 2 साल में 2 बार प्रमोशन भी मिल गए। वाह। बहुत तरक्की पाओगी बेटा, बहुत तरक्की पाओ। थैंक यू आंटी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ऑफिस भी जाना है ना। और आप अपनी दवाई टाइम पे ले लेना, ओके? एंड अगर कुछ भी काम हो तो मैंने अपना नंबर आपके मोबाइल में स्टोर कर दिया है, उस पे कॉल कर लेना, ठीक है? एंड अंकल आप आंटी का ख्याल रखना जी। और आपका भी। चलो बाय बाय बाय। हाँ मामा, इस वक्त सब ठीक तो है? नहीं बेटा, ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है और मैं इस हालत में उन्हें कैसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी? तो मामा आप किसी डॉक्टर को घर बुला लीजिए जल्दी से। नहीं बेटा, शहर में दंगों का माहौल चल रहा है इसलिए कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। ओ बेटा, तू भी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ। ओके हेलो। हाँ हेलो, मामा, मामा डोंट वरी, मैं कोशिश कर रही हूँ, ओके? लेकिन कोई क्या ठीक हो गए? कैसे? जी आप कौन? मैं डॉक्टर सोनू। प्लीज आइए। Thank you.
उसने मुझे सब बताया और ये भी कहा कि आज वो जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से है। और तो और, तुम्हारा कॉन्टैक्ट उससे छूट गया था, तुम्हारा फोन नंबर नहीं था उसके पास, तो उसने इसी शहर में इंटर्नशिप ले ली इस उम्मीद से कि कहीं हमसे मुलाकात हो जाए। और आज जब मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया तो वो तो नहीं आए, लेकिन इसे अपनी दीदी की फैमिली मिल गई। ले, बात कर। हेलो दीदी, मैं सोनू। सोनू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आपकी सोनू डॉक्टर बन गई। हाँ, वो पता चला। थैंक गॉड। मैं आ रही हूँ आप सब लोगों से मिलने। जी, मम्मी से बात कीजिए। हाँ। जल्दी आ जा बेटा। मैं हमेशा से कहती थी ना कि अच्छे कर्म करोगे तो कभी न कभी काम आएंगे। भगवान करे तुझे खूब सुख और सफलता मिले। जी मामा, रखती हूँ। अच्छा, कैसे हो सर? अच्छा हूँ, तुमसे मिलके। तो आज मुझे कैसे याद किया सर? ऐसा है बेटी, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। बहुत काम कर लिया जिंदगी में, उम्र के साथ तबीयत भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती मेरी और तेरी आंटी की भी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है सिवाय एक औलाद की, तुम हमारी बेटी जैसी। मैंने और तुम्हारी आंटी ने ये चाहा है कि अब ये कंपनी का सारा काम तुम संभाल लो। कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो तो मैं तो हूं ही। तो क्या कहना है तुम्हारा बेटी? जैसा आप ठीक समझे अंकल, आप दोनों ने मुझ पे इतना भरोसा किया है तो आपको निराश नहीं होने दूंगी मैं। जीती रहोगे।